अभी बस संचालकों ने बस चलाना शुरू नहीं किया। परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ ही आज बस संचालकों की बैठक होने जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं। बस संचालक भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक बसों का संचालन नहीं होने देंगे। बस संचालकों की मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में आगामी 6 महीने के लिए टैक्स माफ किया जाए और साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ ही बस किराए में भी वृद्धि की जाए। इसके अलावा नॉन यूज बसों को बिना टैक्स के खड़े रखने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार की अनुमति के बाद भी बस संचालकों ने आज दूसरे दिन भी बस नहीं चलाने का फैसला लिया है। आज हम पंडरी बस स्टैंड में मौजूद हैं, जहां पर काफी सारी बसें जो हैं वो खड़ी हैं। आज परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ बस संचालकों की बैठक होगी। ये बैठक जो है प्रदेश में बस नहीं चलने को लेकर होगी। साथ ही आपको बता दें कि 3 मांगों को लेकर बस संचालक जो है वो अपनी मांगे रखेंगे। बस संचालकों की मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में आगामी 6 माह के लिए टैक्स माफ किया जाए, डीजल के अनुपात में किराया वृद्धि की जाए और साथ ही नॉन यूज बसों को बिना टैक्स के खड़े रहने की अनुमति मिले। तो इस तमाम मांगों को लेकर बस संचालकों और परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के बीच बड़ी बैठक होने वाली है। उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि बस संचालक बस चलाते हैं या उसे ऐसे ही अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, बस संचालकों की बैठक भी है, उन्होंने अलग अलग तरीके की मांगे रखी हैं, लेकिन क्या अभी तक इनकी मांगों पर ध्यान दिया गया है, कोई आश्वासन अभी तक? जी बिल्कुल, परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ बस संचालकों की बैठक है और इनकी मांगों को ध्यान रखने के लिए ही जो बैठक है वो आयोजित की गई है। कल जो है मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है बैठक स्थगित हो गई थी और आज परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह के साथ जो है बैठक होगी और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि बस संचालक जो है वो उनकी मांगों को पूरा करते हैं या नहीं कर पाते। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो बस जो संचालन है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद भी कर देंगे, ऐसा भी जो है बस संचालक का मानना है। और ये जितना होगा कि बैठक के बाद जो है उनकी मांगों को पूरी तरह से सुना जाता है और उनकी मांगों में कितनी मांगों को पूरा किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। मुंगेली जनपद की प्रज्ञा